गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, टुडे वी विल सी चैप्टर 3 दैट इज कॉल्ड फूड, मतलब खाना। लेट्स सी। ओके, फूड गिव्स अस एनर्जी, इट हेल्प्स अस फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड गेट वेल आफ्टर इलनेस। फूड हम लोगों को एनर्जी देता है और ये फाइट करते हैं कोई भी डिजीज हो, ठीक है। इसमें इट ऑल्सो गिव्स अस द मटेरियल्स विथ विच द बॉडी बिल्ड्स इट्सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ चाइल्ड ग्रोज टॉलर द बोन्स बिकम लॉन्गर एंड मोर फ्लैश इज एडिड। द मेटेरियल्स नीडेड फॉर दिस कम फ्रॉम फूड। इसका मतलब है कोई भी बच्चा जब छोटे से बड़े होते हैं तो क्या होता है कि उसका हड्डियाँ बड़े होते हैं, वो बढ़ते हैं, टॉल होते हैं, फिर उसमें ज़्यादा फ्लैश भी जुड़ते हैं, तो ये सारा चीज़ फूड से ही आते हैं। द मेटेरियल्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर एंड नेल्स ऑल्सो कम फ्रॉम फूड। ठीक है कि नेल्स और जो हेयर होता है इसका भी बढ़ने के लिए फूड का भी ज़रूरत होता है। सो डू द मटेरियल्स नीडेड टू रिपेयर अ ब्रोकन बोन और अ कट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फॉर डिफरेंट थिंग्स। हम लोगों का बॉडी में डिफरेंट चीज़ के लिए डिफरेंट टाइप का खाने का ज़रूरत होता है। द टाइप्स ऑफ फूड द बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि द टाइप्स ऑफ फूड द बॉडी नीड्स, मतलब कि जिस प्रकार का खाना बॉडी को ज़रूरी रहता है और होता है उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये तीनों मेन टाइप्स ऑफ आपका न्यूट्रिएंट्स है। द बॉडी नीड्स दिस न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये सारे चीज़ चाहिए। इट ऑल्सो नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ टू अदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड विटामिंस एंड मिनरल्स। ठीक है, ये तीन मेन चीज़ जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इसको भी छोड़ के विटामिंस और मिनरल्स भी हल्का परिमाण में ज़रूरी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है इसको ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी ईट हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स। दे ऑल्सो हैव थिंग्स दैट आवर बॉडी कैनॉट यूज। दिस थिंग्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट। मतलब कि हम लोग जब लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मतलब फूड के हिसाब से जब लेते हैं, तो उसमें हर चीज़ यूज़ नहीं होता है और जो चीज़ यूज़ नहीं होता है उसको वेस्ट के हिसाब से बाहर फेंका जाता है। नाउ लेट अस सी द कार्बोहाइड्रेट्स। दिस गिव्स द बॉडी द एनर्जी इट नीड्स। सीरियल्स, प्रोटीन्स, पोटैटोस, फ्रूट, शुगर एंड ऑल स्वीट थिंग्स हैव अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स का जो कार्बोहाइड्रेट है ये सारा चीज़ हम लोगों को मिलेंगे किसमें, सीरियल्स, पोटैटोस, फ्रूट्स, शुगर एंड ऑल स्वीट थिंग्स। ठीक है, ओके, दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स टू। वी डिपेंड मोस्टली ऑन सीरियल्स फॉर आवर सप्लाई ऑफ एनर्जी। ओके, चलो नेक्स्ट लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट इज फैट। सो ऑयल, बटर, घी, चीज एंड नट्स हैव फैट्स। तो ये सारा चीज़ जो है इसमें फैट्स होते हैं। सो डू मीट एंड एग्स, मतलब कि मीट में भी होता है, एग्स में भी होता है ये फैट। फैट्स आर द एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं इसको, इसलिए इसको बोला जाता है एनर्जी बैंक बॉडी का। आवर बॉडी स्टोर्स देम सो दैट इट कैन यूज देम व्हेन देयर इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। देयर इज अ लेयर ऑफ फैट अंडर आवर स्किन। देयर इज अ फैट अराउंड द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी टू। द फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन कीप्स अस वार्म। मेनली ये जो फैट होते हैं ये स्किन के अंदर ही होते हैं और ये इसको बोला जाता है एनर्जी बैंक। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो है उसके सराउंडिंग्स में भी ये, मतलब बॉडी के अंदर ये फैट्स को दिखाई देता है। नेक्स्ट इज द प्रोटीन्स। पल्सेस, मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स गिव द बॉडी द मटेरियल्स इट नीड्स टू ग्रो एंड रिपेयर इट्सेल्फ।
प्रोटीन का मेन काम होता है ग्रो, मतलब बढ़ने के लिए, ठीक है, और रिपेयर करने के लिए बॉडी में कुछ भी अगर खराबी हो तो. नाउ दे हेल्प द बॉडी मेक न्यू स्किन, हेयर, नेल्स एंड ब्लड. ये नया स्किन, फिर आपका हेयर, नेल्स और ब्लड का प्रोड्यूस के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट हेयर एंड नेल्स कीप ग्रोइंग. नेल्स और हेयर जो होता है ये बढ़ते ही चले जाते हैं. स्किन टू पिट्स ऑफ एंड क्रोज एंड फ्रेश ब्लड इज मेड कंटिन्यूअली इन द बॉडी. ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो होता है, जैसे कि ब्लड हो गया, फिर आपका हेयर हो गया, नेल्स हो गया, ये सारा चीज़ बढ़ते ही जाते हैं. दैट इज़ हाउ पीपल कैन डोनेट ब्लड विदाउट हार्मिंग देमसेल्फ. और इसी के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है बढ़ने के लिए, इसके लिए क्या होता है कि ब्लड डोनेट किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज द विटामिंस. सो फ्रूट, वेजिटेबल्स, सेरल्स, पल्सेस, मिल्क, मीट, एग्स एंड फिश हैव विटामिंस. ये सारा चीज़ जो है, ठीक है, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सेरल्स, पल्स, मिल्क, मीट, एग्स में भी विटामिंस होते हैं. नॉर्मली वी गेट द विटामिंस वी नीड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. जो विटामिन की ज़रूरत होता है इस चीज़ से हम लोगों को मिलते हैं. बट व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ विटामिन इन द बॉडी, डॉक्टर्स आस्क अस टू हैव विटामिन टैबलेट्स. ठीक है, जब बॉडी में विटामिन के कम हो जाते हैं तो उस टाइम पे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है विटामिन टैबलेट लेने के लिए. कैप्सूल्स और सिरप्स, कैप्सूल्स और सिरप्स भी लेने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं. विटामिन कीप आवर आइज, स्किन, गम्स, टीथ एंड बोन्स हेल्दी. ठीक है, विटामिन क्या करते हैं, हम लोगों का आई, स्किन, गम, टीथ एंड बोन्स को हेल्दी रखते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प द बॉडी वर्क वेल. और ये विटामिन जो है ये हम लोगों का, मतलब अलग किस्म का या कोई भी तरीके का डिजीज़ अगर हो तो उसमें प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी को भी अच्छा काम करने के लिए सहायता करते हैं. ठीक है, तो दिस मच इज द थिंग दैट वी हैव डन टुडे. वी विल सी द रेस्ट थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास. हैव अ ग्रेट डे अहेड.